लोग आते हैं, हाथ हिला के टाटा बाय बाय करके चले गए, लेकिन जो किसानों का नुकसान हुआ, बाढ़ से जो प्रभावित लोग थे, आज एक फौजी मुझे बार बार बॉर्डर से फोन करता है, वो कहता है मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, मुझे सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बाड़मेर ये जालोर सांचोर जिले के अंदर और गुड़ा मलानी दोरीमना इलाके के अंदर जहां जहां बाढ़ आई थी, मैं बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत दिलाने के लिए इस हुंकार के अंदर भी इस बात को रखूंगा कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को सरकार न्याय दे। चौथी बात हमने करी, ये टोल नाके हटाओ, यहाँ पे हमें टोल नाकों की आवश्यकता नहीं है, और वसुंधरा को टोल नाकों को ज्यादा शौक है तो अपने ससुराल धौलपुर लगा ले जाके यहाँ जालो बाड़मेर और नागौर में टोल नाकों की आवश्यकता नहीं। एक बात हमने कही, बाड़मेर से तेल का रेवेन्यू नौ साल हो गए तेल निकलते हुए, लेकिन 3% रेवेन्यू राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार और कंपनियां खा गई। वो 3% पैसा अगर बाड़मेर जिले के अंदर आता तो बाड़मेर के प्रत्येक गांव के बीच अच्छी सड़कें होती, पुल बनते, स्कूल खुलते, अस्पताल खुलते, कॉलेज खुलते और बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी बनते और स्टेडियम भी बनते, लेकिन वो अरबों खरबों रुपए सरकार दबा के बैठी है। मैं कहता हूँ कि सूत सहित वो बाड़मेर का पैसा बाड़मेर के लोगों को दिला के रहेंगे। नर्मदा नहर का पानी, आपके यहाँ भी पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिन गांवों को पहले नहर से जोड़ दिया उन्हें नहर से वंचित कर दिया, अभी कई किसान धरने पे बैठे हैं। मैं उस स्थल पे भी जाऊंगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नर्मदा का पानी बाड़मेर के खेत खेत पहुंचेगा और जालोर के अंदर जो गांव वंचित रह गए वहां भी नर्मदा नहर का पानी प्रत्येक गांव तक खेत तक पहुंचाने के लिए खेवसर का विधायक पूरा प्रयास करेगा। मेरे पर लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं, मेरी जाति के विकास की बात जरूर करता हूँ लेकिन दूसरी जाति के खिलाफ हनुमान बनीवाल राजस्थान के अंदर नहीं करता। छत्तीस कौम के लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ और राजस्थान की विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा अगर जवानों के, किसानों के और अपराधियों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो खींवसर के विधायक ने नए राजस्थान के निर्माण की बात करी, मिशन 2018 की बात करी। 70 साल की व्यवस्था को हमें अगर बदलना है तो सब एकजुट हो जाओ। राजस्थान के अंदर तो एक रोटी है जिसको एक बार इधर से छेकते हो भारतीय जनता पार्टी और उसको बदल देते हो कांग्रेस। इसके अलावा लोगों की सोच का दीवाला निकल गया राजस्थान के अंदर। नई सोच के साथ अब नई दिशा के अंदर चलना, जिस तरह 22-23 राज्यों के अंदर तीसरी पार्टियों तीसरी ताकत बनी है, किसानों के दल बने, हमें भी किसान हितों की रक्षा के लिए जवानों को उसका न्याय अधिकार हक मिले, किसान को उसका हक और अधिकार मिले, अपराध मुक्त भयमुक्त राजस्थान हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट इस राजस्थान की सरकार लागू करे, 100 रुपए खेती के अंदर खर्च करते हैं 57 रुपए ही वापस मिलते हैं और 100 रुपए आज अमेरिका जापान के अंदर खर्च करते हैं तो उनको 200-250 रुपए मिलते हैं, तो खेती लाभकारी बने ये सारी रिपोर्टें लागू कौन करेगा? ये सरकार तो करेगी नहीं। और वसुंधरा तो भेद बदल बदल के 6 बार राजस्थान की जनता को ठग चुकी है, जहाँ जाती है वही उसी जाति की हो जाती है। भाइयों अब आपको समझना होगा, सोचना होगा, नए राजस्थान का निर्माण करना होगा, सबको साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। 7 जनवरी को हजारों की तादाद के अंदर आपको बाड़मेर आना है, आओगे कि नहीं आओगे? तभी तो मैं सांचोर के अंदर आया हूँ, बाड़मेर से एंट्री करके सांचोर भीनवाल जालोर, और आप ये रैली आपके हक और अधिकार की रैली है और मेरे जैसा लड़ाका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। लोग खुद के लिए लड़ते हैं, एमएलए मंत्री बनने के लिए लड़ता है और मंत्री मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई करता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा मैं गहलोत और वसुंधरा की गोद के अंदर नहीं बैठूंगा। अगर 15 साल पहले बैठता तो 3 बार मंत्री बनता। मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, जब किसान का सम्मान नहीं ऐसी व्यवस्था में बैठ नहीं सकता, मैं संतरी बनकर आपकी सेवा करूंगा और संतरी बनकर राजस्थान के दलित पिछड़े और गरीब तबके की राजस्थान में सेवा कर रहा हूँ। आप सब लोग मेरा साथ दीजिए, आपके सपनों का राजस्थान बनाएंगे और इस महा रैली के अंदर आपको सारे रिकॉर्ड तोड़ने, उस दिन ऐसा लगना चाहिए जैसे कुंभ का मेला भराओ, अर्ध कुंभ का तो भरता ही चोटन के अंदर, तो कुंभ का मेला भराओ अपने अपने साधनों से, हजारों की तादाद के अंदर 36 कौम के जवान किसानों को आना है और मुझे आशीर्वाद देना है और ठाकुर साहब ने लेना था धन्यवाद।